हेलो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये है, ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर, यानी आर त्रिज्या का कोई गोला, रेस्ट अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल वॉल। ओके, किसी जो मेरे पास वर्टिकल वॉल है यानी ऊर्ध्वाधर जो दीवार है उसके सहारे से जो है रेस्ट की पोजीशन में है, विराम अवस्था में है। विच इट इज अटैच बाई ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल फास्टेंड टू ए पॉइंट ऑन द सरफेस। आगे कहना चाह रहा है कि मेरे पास जो गोला है, गोले की सतह के किसी एक बिंदु पर एल लंबाई की कोई रस्सी या कोई स्ट्रिंग बना हुआ है, तो और जिसका दूसरा सिरा जो है दीवार के किसी उससे बंधा है। ओके, तो आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। आपको निकालना है स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्या है, समझने की कोशिश करना। ग्राफ बना रहा हूँ पहले बेटा। मान लिया जाए ये मेरी कोई दीवार है, दिस इज माई वॉल। ओके, ये मेरी कोई वॉल है। कहना चाह रहा है ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज रेस्ट अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल वॉल। ओके, इसके सहारे से जो है कोई स्फीयर विराम अवस्था में है यानी साम्यावस्था में, ऐसे है। क्लियर? तो जाहिर सी बात है ये जो गोला है इसका कोई ना कोई सेंटर होगा, सपोज दैट ये सेंटर है। ओके, और इसका जो टोटल वेट है इसके जो सेंटर है उससे नीचे की तरफ ऐसे काम करेगा, सपोज दैट ये डब्लू है। ओके भाई, ये जो गोला है इस दीवार के, ये जो मेरे पास वॉल है इसके इस पॉइंट के ऊपर पॉइंट एम है, आपस में एक दूसरे का कॉन्टैक्ट पॉइंट है। तो जाहिर सी बात है यहाँ से जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से एक रिएक्शन फोर्स निकल जाएगा जो कि ऐसे होगा आर, फिगर के अंदर भी मैंने बता रखा है। क्लियर? आगे की तरफ कहना चाह रहा हूँ कि भाई एक स्ट्रिंग लगा हुआ है यहाँ से सरफेस से, यहाँ से एक धागा लगा हुआ है ऐसे, ऐसे एक धागा जो है ना उसने इसको ऐसे बांधा हुआ है। ये मेरे पास एक स्ट्रिंग लगा हुआ है। ओके, मैंने क्या किया इसको आगे तक मिला दिया हल करने के लिए। ये मेरे पास स्ट्रिंग है, ये वाला स्ट्रिंग, और ये स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक है। इस पॉइंट को मैंने सी मान लिया, इस पॉइंट को मैंने डी मान लिया, और ये एल लंबाई का स्ट्रिंग लगा हुआ है सी और डी के बीच। क्लियर? गोले की त्रिज्या आपको आर दे रखी है, ये वाली आर है या ये वाली भी आर है, आप कैसे भी मान लो। और इस पॉइंट को मैंने ए माना, ये मेरे पास ग्रेविटेशनल पॉइंट यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट होगा, और ये वाला एंगल मैंने मान लिया थीटा। क्लियर? मेरे ख्याल से ग्राफ आपका क्लियर हो चुका होगा। ओके, और अगर ये है यहाँ एक स्ट्रिंग लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर एक तनाव टी होगा। ओके, आगे की तरफ चलते हैं, जहाँ तक आपको कोई डाउट मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, उसी की बात कर रहा हूँ बेटा। ये मेरे पास दीवार है, ये वॉल है, वॉल के कॉन्टेक्ट में ये कोई गोला रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है उससे बाहर की ओर एक रिएक्शन फोर्स काम करेगा जो कि आर है। इस गोले का कोई ना कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट होगा जो कि जी मान रखा है, यहाँ गोले का वेट नीचे की तरफ काम करेगा। ओके, ये एक स्ट्रिंग लगा हुआ है सी डी जिसके अंदर एक तनाव टी होगा, ये वाला एंगल मैंने मान लिया है थीटा है, सपोज दैट। और इसकी जो रेडियस है आप ये वाली दूरी मान लो या ये वाली दूरी मान लो, रेडियस आर होगी। ओके, क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ बेटा जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहीं बताऊँगा आपको, आप टेंशन मत लेना, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करूँगा एक एक चीज़ें। मैं कहना चाह रहा हूँ कि सपोज दैट सी डी, ये वाला सी डी इज ए स्ट्रिंग। ओके, और सी डी इज इक्वल टू एल, कैसे एल है, बाई ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल। एक धागा है सी डी जिसकी लंबाई क्या है, एल है, जो कि गोले की सरफेस के ऊपर लगा हुआ है और उधर दीवार से बंधा हुआ है। क्वेश्चन के अंदर भी कह रहा है विच इज फास्टेंड एट द पॉइंट ऑन द सर्फेस, सर गोले की सर्फेस के किसी पॉइंट के ऊपर बंधा हुआ है। ओके, मैं आगे कहना चाह रहा हूँ
जी इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये मेरे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है, एंड आर इज़ द रिएक्शन फोर्स। ओके सो दैट तब मैं अप्लाई करूँगा, देन एट द पॉइंट जी, इस पॉइंट के ऊपर आई एम अप्लाइंग लामी थ्योरम। ओके लामी का परमिक कैसे लगेगा, क्या होगा, ध्यान से देखना बेटा, फिर से अगर आप निकाल रहा हूँ आपको डाउट ना लगना चाहिए, कौन कौन से फोर्स कैसे लगे हुए हैं। देखो बेटा, ये अगर आप मान लो या ये अगर आप मान लो, ये मेरा जी पॉइंट है, इस जी पॉइंट के ऊपर एक फोर्स तो लग रहा है ये आर। ओके जी पॉइंट के नीचे ये फोर्स लग रहा है डब्लू, आपको भी देख रहा है कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, क्लियर। यहां एक फोर्स लगा हुआ है, ये लगा हुआ है तनाव टी। ओके ये पॉइंट मेरा जी है और तनाव टी यहां ऐसे काम कर रहा है, इस तरफ ऐसे, क्लियर है ना। आगे देख रहा हूं, अगर ये पॉइंट टी है, ये वाला एंगल मेरा कितना है भाई, थीटा है, आपको भी दिख रहा है। अगर ये वाला एंगल थीटा है, ध्यान से देखना बेटा, तो जाहिर सी बात है ये वाला एंगल जो है ना, यहाँ से यहाँ तक ये तो ऐसे वेट तो नीचे के डायरेक्शन परपेंडिकुलर काम करेगा, ये वाला एंगल कितना है 90 है, आपको भी बताएं 90 प्लस 90 180 डिग्री हो जाएगा, क्लियर। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये पूरे का पूरा एंगल 180 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल होगा कितना भाई, ये वाला एंगल 180 डिग्री के अंदर से आप थीटा घटा दो, 180 माइनस थीटा हो चुका, उसी की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा। ग्राफ का मैंने अलग से भी ग्राफ निकाल रखा है, इस ग्राफ का पोर्शन ये मैंने अलग से निकाला हुआ है। ओके ये वाला पॉइंट आपका टी काम कर रहा है, यहाँ सी है। ओके ये देखो आप सी, ये वाला पॉइंट आपका जो है ना यहाँ, ये वाला ए पॉइंट है, कोई फोर्स नहीं लगा हुआ है, यहाँ नीचे की तरफ डब्लू आ रहा है, जाहिर सी बात है ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा क्योंकि वेट नीचे की डायरेक्शन में काम करता है। ये वाला एंगल आपको दिख रहा है थीटा है, ये टोटल एंगल 180 डिग्री, तो जाहिर सी बात है ये 180 माइनस के थीटा होगा, नो प्रॉब्लम। लामी का प्रमेय लगाता हूँ, देखना बेटा लामी का प्रमेय क्या बोलता है। ये फोर्स आर है, आर के सामने का जो एंगल है, देखो आप आर के सामने का जो एंगल है ना, आर फोर्स यहाँ लग रहा है, ध्यान से देखना, आर फोर्स यहाँ है, इसके सामने का जो कोण है ना वो ये है, इतना कोण, कितना कोण है, आर यहाँ ऐसे है, आर के सामने कोण, यहाँ से कोण देखो आप, ये वाला कोण आर के सामने, लामी का प्रमेय साइन 90 प्लस के थीटा, ये लगा हुआ है टी, देखो आप ये टी है, टी के सामने का एंगल सीधा 90 डिग्री आपके सामने है, ये लगा हुआ है डब्लू, डब्लू ये लगा है, यहाँ से देखो आप कोण, डब्लू के सामने का एंगल, डब्लू के सामने एंगल ये पड़ रहा है सीधा सीधा 180 माइनस के थीटा, नो प्रॉब्लम, क्लियर हो चुकी बात, लग गया लामी का प्रमेय, कोई डाउट तो नहीं है। आगे चलता हूँ, मैंने ये वाला पोर्शन उठाया और ये वाला पोर्शन उठाया, दोनों को हल किए, एक मिनट मार्कर चेंज कर लूँ, दोनों को हल करने के बाद देखता हूँ मेरे पास क्या रिजल्ट निकलेगा। ये हुआ मेरे पास इधर बेटा टी साइन 90 इज इक्वल टू डब्लू साइन 180 माइनस के थीटा, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं, यहाँ के बाद मेरे पास कितना निकल कर गया भाई, ये देखो ये सिचुएशन थी आपके पास अभी अभी, कभी आप फिर से भूल जाओ, मेरे पास था टी बटे साइन 90, दिखा भी रहा हूँ एक बार आपको, टी बटे साइन 90, देखो लास्ट लाइन टी बटे साइन 90 डब्लू बटे साइन 180 माइनस थीटा। ओके ये ले भाई, टी बटे साइन 90 बराबर डब्लू बटे साइन 180 माइनस थीटा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, आप जानते हो साइन 180 माइनस के थीटा, आप देखो साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट 180 यहाँ होता है, 180 माइनस थीटा यानी यहाँ होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, मैंने लिख दिया है साइन 180 माइनस के थीटा बराबर साइन थीटा, मैंने क्रॉस गुणा किया, मेरे पास कितना निकल करके आया बेटा, मैंने वैल्यू डाली, ये हुआ टी अपॉन 1 बराबर डब्लू बटे साइन थीटा, टी की वैल्यू देखो आप, टी बराबर निकल गया डब्लू बटे साइन थीटा, क्लियर। आपका ग्राफ ये था, ये आपकी दीवार थी,
ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, ये आपका वेट काम कर रहा था, ये आपका रिएक्शन फोर्स काम कर रहा था, ये आपका धागा लगा हुआ था। ध्यान से देखना है बेटा जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर ट्रायंगल बता रहा हूँ कौन सा है, ए जी सी, अलग से निकाल भी रखा है भाई। दीवार तो सीधी होगी, मेरा ग्राफ भले ही थोड़ा सा आपको टेढ़ा दिख रहा हो लेकिन दीवार हमेशा सीधी होती है। ये मेरी वॉल है, मैं नीचे लिख भी रहा हूँ। ओके, समझने की कोशिश करना, ये जो दीवार है इसकी बात कर रहा हूँ। मेरे पास इसके अंदर एक ट्रायंगल बना हुआ है सी ए जी, सी ए एंड जी, नो प्रॉब्लम। ये देखो आप यहाँ से यहाँ तक, ये तो वृत्त की त्रिज्या है जो कि आर के बराबर है। यहाँ से देखो वृत्त की त्रिज्या आर के बराबर है। इसकी दूरी, स्ट्रिंग की लंबाई मेरे को एल दे रखी है। ओके, ये वाली दूरी मेरे पास एल है और ये फिर वृत्त की त्रिज्या है। देखो आप, ये मैं कह भी रहा हूँ, मेंशन भी किया हुआ है, ये फिर वृत्त की त्रिज्या, ये वृत्त का केंद्र। ओके, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड दिस इज ऑल्सो रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, आर प्लस के एल, आर प्लस के एल, और ये वाली दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, सो दैट दिस इज इक्वल टू आर। जहाँ तक कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। ओके, एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री एंगल है, आप जानते हो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मैंने उसी कंसेप्ट का यूज़ किया, हाइपोटेनियस सी जी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस ए जी का स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो आप, मैंने ये वैल्यू इसको इस तरफ लेकर के गया, या आप ऐसे मान लो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी जी का स्क्वायर माइनस ए जी का स्क्वायर। ओके, इनको इंटरचेंज कर दिए, इस वाली क्वांटिटी को मैं इधर ले आया, क्लियर। आगे की तरफ चलता हूँ, यहाँ से मेरे पास निकला बेटा सी जी। देखो आप, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी जी, जो है ना, अगर मैं इधर से स्क्वायर हटा दूंगा तो इधर रूट लग जाएगा, इधर सीधे का सीधा रूट आ जाएगा। मैंने यहाँ से स्क्वायर हटा दिया, इधर रूट लगा, सी जी आपके सामने है, सी जी एल प्लस आर का कंप्लीट स्क्वायर माइनस ए जी आर स्क्वायर। मैंने इसका स्क्वायर खोला, एल स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर प्लस के टू एल आर माइनस के आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ए सी कितना बचा मेरे पास, टू एल आर प्लस के एल स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। आगे की तरफ चलता हूँ, फिर देखना बेटा, प्रॉब्लम कर रहा है साइन थीटा, ए सी लेकिन निकल चुका है मेरे पास। फिर मैं कह रहा हूँ कि इंटर एंगल ए सी जी में, ए सी जी, ध्यान से देखना है बेटा, एंगल कौन सा है थीटा मेरे पास, ये वाला एंगल थीटा है। ये देखो आप, ये वाला एंगल थीटा, अगर ये वाला एंगल थीटा है, इसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये वाला होगा मेरे पास बेस, ये होगा मेरे पास बेस, और ये होगा मेरा हाइपोटेनियस। साइन थीटा का यूज़ किया, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस या डायगोनल, मैंने डी लिख दिया है। साइन थीटा की वैल्यू निकाली, परपेंडिकुलर देखो आप, ए सी बटे डायगोनल सी जी, ए सी की वैल्यू आप निकाल चुके, सी जी की वैल्यू एल प्लस आर है आपके पास। आगे की तरफ चलता हूँ, देखो बेटा ये सिचुएशन थी मेरी, ए सी में पहले ही कैलकुलेट कर चुका था, फिर से बता रहा हूँ ए सी। ये देखो आप, ए सी इज इक्वल टू टू एल आर प्लस के एल स्क्वायर रूट के अंदर। ओके, आगे देखता हूँ, ये सिचुएशन थी मेरी, ये ग्राफ था, ए ये है, जी ये है, सी ये है, ये दूरी आर है, ये एल प्लस के आर है। साइन थीटा इज इक्वल टू, आपको पता है साइन थीटा जो होता है ना, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर ये एंगल थीटा है आपका, ये एंगल आपका 90 डिग्री है, इसके सामने परपेंडिकुलर होता है, ये आपका बेस है, ये वाला बेस है, ये वाला आपका हाइपोटेनियस है। एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने हमेशा बेस, रिमेनिंग पार्ट डायगोनल, या दूसरे तरीके से भी, जैसे भी आपके टीचर ने आपको बता रखा है वैसे समझ सकते हो आप। साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, पी की वैल्यू देखो ए सी, एच की वैल्यू देखो ए जी, ए सी पहले से ही रखा हुआ है,
वैल्यू डाल दी अपॉन एल प्लस के आर आपके सामने है, बट देखना यहाँ पहले से ही मैंने वैल्यू डाली है टी इज इक्वल टू डब्ल्यू बटे साइन थीटा, ओके, और डब्ल्यू अपॉन साइन थीटा कहाँ से है ये देखो आप, टी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन साइन थीटा, ओके, मैंने उठाया टी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन साइन थीटा। मैं कहना चाह रहा हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू आपके सामने सीधी सीधी रखी हुई है, देखो आप साइन थीटा इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, कोई डाउट नहीं लगना चाहिए, ओके। तो टी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकली बेटा, अंडर रूट टू एल आर प्लस एल स्क्वायर अपॉन एल प्लस आर, ये पहुंच गया सबसे ऊपर, टी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल प्लस आर अपॉन टू एल आर प्लस के एल स्क्वायर, एंड दिस इज माई रिक्वायर्ड रिजल्ट, ओके। आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी, बाय।